हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास 10th एंड आल्सो अगेन वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर रेडी टू लर्न फ्रॉम दीज क्लासेस विद फुल डेडिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर बुक विद इट्स कंटेंट एंड आल्सो स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट। This is your cover page of your book Information Technology and our book code is 402. In this cover page, यहाँ पे देखो जो pictures दिखाई गई हैं, these all pictures are related to technology. Computer का मतलब क्या होता है बेटा? Technology है ना, तो technology में कौन कौन सी term use होती हैं? Like E, Internet Explorer के लिए use होता है, और इसमें जो देखो ये वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, ये ग्लोबल जो नेट होता है उसका सिंबल बना हुआ है। अगर दो तीन पर्सन इकट्ठे होकर चैट कर रहे हैं, एट दी रेट कहाँ पे लगता है जब ईमेल आईडी बनाते हैं, ये इमोजीज होती हैं जो आपकी यूज होती हैं जब आप चैट करते हो, बहुत सारे फीचर। देखो ये बकेट बनी हुई है, जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, अमेजोन पे कर लो शॉपिंग, स्नैपडील, कहीं पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। ये भी सारा देखो, हेडफोन्स बने हैं, स्पीकर्स बने हैं, आपका चैट बॉक्स बने हुए हैं, ईमेल्स बनी हुई है, ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको डिजाइन किया गया है। दिस इज योर कंप्यूटर, देन सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर कंटेंट पेज। देखो बेटा आपके सबसे पहले क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं। पार्ट ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। लास्ट जो 9th क्लास में भी हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे, आप कहोगे मैम ये सेम है, बट नहीं, टॉपिक आपका जैसे सेम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसमें चैप्टर की नेम्स सेम है, बट जो डाटा है उस डाटे में लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफरेंस डाला गया है। ये क्या होती है बेटा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सेम क्यों है? क्योंकि ये एक मेथड होता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए तो बेटा वही चीजें हमें लर्न करनी होती हैं, बट उन चीजों को बार बार लर्न करना होता है ताकि आप में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो उसी तरह से जैसे पहले आपके चैप्टर्स थे कम्युनिकेशन स्किल्स, चैप्टर का नेम आपके पहले 1 था, यहाँ पे 2 आ गया, सेल्फ मैनेजमेंट 2, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आपने ICT के नाम से पढ़ा था, 2 आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप 2 एंड ग्रीन स्किल्स 2। देन बेटा आपका जो पार्ट बी आता है, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ज्यादा जो आपका पार्ट है पेपर का, इसी में से आता है, जिसमें आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि प्रीवियसली आपने एमएस वर्ड पढ़ा था, उसी एमएस वर्ड के एडवांस फीचर्स को इस चैप्टर में डाला गया है। एडवांस फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट किस में यूज होता है वर्ड? एमएस एक्सेल में, उसके एडवांस फीचर्स को यहाँ पे दिया गया है। मोर अबाउट स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के ऊपर और जो नए नए फीचर्स हैं उनको अलग से चैप्टर में दिखाया गया है। डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड चैप्टर नंबर 10 मोर ऑन डाटाबेस, थोड़ा सा पार्ट ऊपर कवर किया है, एंड जो एडवांस पार्ट था वो चैप्टर नंबर 10 में कवर किया है। 11 नंबर इज वेब एप्लीकेशन, जैसे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, उसके फीचर्स क्या है, लैंड मैन वैन क्या है, ये सारा कुछ, बैंडविड्थ क्या होती है, ये सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। वेब सिक्योरिटी एंड वर्कप्लेस सेफ्टी, वेब सिक्योरिटी आपका जो डाटा है वो कैसे सेफ है, नहीं सेफ है जब आप उसको सेंड करती हो, तो ये सारा कुछ है। देखो COVID-19 वाली भी इसमें डाल दी गई है, बिल्कुल अपडेटेड बुक आपके लिए आई है, जिसमें जो न्यू लेटेस्ट आपका जो COVID-19 का टॉपिक है वो भी इसमें डाला गया है। जब हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे क्या है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए, जिसमें आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स 2। कंपेयर टू लास्ट क्लास जो आपने 9th में किया था, आपको ये इजी लगेगा और आपको ये एक बार रीड जरूर करना है ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता लगे और जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो सके। जैसे देखो कम्युनिकेशन नेम से पता लग रहा है, कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप किसी से अपने आइडियाज को, व्यूज को एक्सचेंज करना चाहते हो एक दूसरे के साथ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं, तो उनको शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल
एक्सचेंज आइडिया फैक्ट्स एंड फीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर। कहते जो ये वर्ड है कहाँ से आया है, कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर। कम्युनिकेयर का मतलब है शेयर, जिसको आगे जाके बना दिया कम्युनिकेशन। व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होती है, जब रिसीवर को मैसेज समझ में आ जाए जो सेंडर ने दिया है। अगर सेंडर इस तरह से बोले जो दूसरे को समझ ही ना आए तो उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। सो इट इंक्लूड ऑल द प्रोसीजर्स बाय विच वन माइंड में इफेक्ट और पास इंफॉर्मेशन टू अनदर। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली रिटन एंड ऑरल बट ऑल्सो म्यूजिक पिक्चर एंड वीडियो। कहते इसमें सिर्फ आपका रिटन और ऑरल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो पिक्चर्स है, वीडियोज है, कुछ भी है। देखो इस पिक्चर में सारी कम्युनिकेशन दिखाई है, ये कम भी लैपटॉप पे काम कर रहा है, वाईफाई चल रहा है, तो आप किसी को भी मैसेज, इसको भी कर सकता है, इसको भी मैसेज कर सकता है, ईमेल भी कर सकते हो आप, किसी भी पर्सन के साथ टॉक हो सकती है लैपटॉप के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ये सारे नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड दिखाए हैं एक दूसरे के साथ, जो कि ग्लोबली। ये आपको पीछे मैप पता है कौन सा दिखा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है पीछे जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो ये हमें यही बताना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी बैठे हो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज ऑफ इंटरनेट। कम्युनिकेशन करने के मेथड्स कौन कौन सी हैं, आपने जैसे पढ़ा ही हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल, दो तरह के थे, विजुअल भी आएगी आगे जाके। वर्बल में हमने पढ़ा था ऐसी कम्युनिकेशन जो ओरल या रिटन में होती है। ओरल क्या होती है, जो आप वर्ड्स को बोल के करते हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, टेलीफोन पे कन्वर्सेशन होती है टू और मोर पीपल्स के अंदर, ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन में जब आप टाइप करके, राइट करके अपने आइडियाज को शेयर करते हो, जैसे किसी को ईमेल करना, एसएमएस सेंड करना, इस चीज को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल की एग्जांपल क्या आएगी, जैसे इंटरव्यू होती है, टेलीफोन पे बात होती है, तो ये ओरल की एग्जांपल है। नॉन वर्बल जिसमें रिटन का कोई वर्ड कुछ भी नहीं यूज होता, सिर्फ उसमें क्या यूज होते हैं, आपके एक्शंस यूज होते हैं, सिंबल्स, गेस्टर्स, आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, ये सारा कुछ जिसमें यूज होता है उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। एंड द लास्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल में जिसमें जो मैसेज है वो कैसे कन्वे किया जाता है, इमेजेस के थ्रू कन्वे किया जाता है, साइंस, पिक्टोग्राफी, फिल्म्स एंड मैनी मोर। वर्बल में देखो ये दोनों आपस में टॉक कर रहे हैं, नॉन वर्बल इमोजीज डाल रहे हैं, अगर कोई खुश है तो हैप्पी वाली इमोजी डालेगा, अगर कोई सैड है सैड वाली, कोई हंस रहा है तो हंसने वाली, आपने व्हाट्सएप पे तो आम ही देखा होगा ये सारी इमोजीज होती है। विजुअल में जैसे देखो ट्रैफिक लाइट्स है, विजुअल वो बोलता भी नहीं है और कोई सिंबल भी नहीं देता, जस्ट आपको दिखाता है, ये रेड लाइट बोलती है रुको, बोलती तो नहीं ना, हमें पता है रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, येलो का मतलब होता है रेडी एंड ग्रीन का मतलब होता है गो, तो ये होती है विजुअल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने करवाया है, ये आपका प्रीवियस वाला ही थोड़ा सा वर्क था, बट आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको आज स्टार्ट करवाया है, सो आपको इसको रीड जरूर करना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।